मुबारक हो। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लेक्चर में देखते हैं, आज हम मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, ए रियल प्लान एंड कॉम्प्लेक्स प्लान। कंटेंट्स में है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन रियल प्लेन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज एन एक्सपोनेंट ऑफ वन। लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हर टर्म का एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट का मतलब है हर वेरिएबल का पावर जो होगा ना वो क्या होगा, वन होगा, ऑफ वन। एंड द ग्राफिक ऑफ द इक्वेशन रिजल्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका एक्सपोनेंट, उसमें जितने वेरिएबल होंगे उस सब की पावर क्या होगी, वन होगी। और उसका जो ग्राफ हम बनाते हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है। मैथमेटिकली इन जनरली एन एन डायमेंशन, इसमें हमारे पास एन प्लस वन वेरिएबल है, ये हमारे पास एक्स वन, एक्स टू और एक्स एन, मतलब हमारे पास ये एन वेरिएबल है और ये वाई के साथ हमारे पास हो जाते हैं टोटल एन प्लस वन वेरिएबल, मतलब ये एन प्लस वन डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन एन प्लस वन डायमेंशन। अब हम स्पेशल केस देखते हैं इन टू डायमेंशन में। स्पेशल केस यहां पर देखें आप, स्पेशल केस इन टू डायमेंशन में द नंबर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन और इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशन। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन, जितने मतलब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल यूज हो रहे हैं उतने हमारे पास कहलाती हैं डायमेंशन। इस इक्वेशन में हमारे पास देखें एक वाई वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है, इसलिए इक्वेशन हम टू डायमेंशन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम कहेंगे टू डायमेंशन इक्वेशन। The equation y is equal to mx plus c is called linear equation। ये हमारे पास linear equation कहलाती है क्योंकि यहाँ पर y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। In two dimension क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है x और y, as well as called ये equation हमारे पास कहलाती है straight line। m हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास slope कहलाता है और c हमारे पास y intercept कहलाता है। y intercept क्या होता है, y intercept के लिए हम x 0 पुट करते हैं और y का कोई एलिमेंट आ जाता है, सपोज जो भी आता है c आता है, और x intercept के लिए हम क्या कर देते हैं, हम y 0 पुट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी कैलकुलेटेड एज थ्री मेथड्स। ये हमारे पास थ्री मेथड्स हैं फॉलो करने के लिए, मतलब थ्री केसेस हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन कोई दो पॉइंट्स गिवन हो ए और बी, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है एक्स वन एक्स टू और दूसरा हमारे पास है वाई वन वाई टू, सच दैट वाई हमारे पास फंक्शन है एक्स का, हमारे पास जो वाई है वो फंक्शन है एक्स का, तो हम स्लोप का फॉर्मूला लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अगर हमारे पास दूसरा कैसे है, अगर हमारे पास कोई एंगल गिवन हो विद द x एक्सिस, एक लाइन है जिसका एंगल हमारे पास गिवन x एक्सिस के साथ इन द दैट इज थीटा, तो हम स्लोप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, ये लें। और अगर हमारे पास जो है ना इक्वेशन गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, तो हम लोग इस तरीके से मतलब स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं dy by dx, y फंक्शन ऑफ x का, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा, ये इस तरीके से। अभी हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम रियल प्लेन पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन mx plus c y is equal to mx plus c, हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हमारे पास एग्जांपल है y is equal to 3x plus 2, इसका x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें y 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास x के लिए माइनस 2 बाई 3 आएगी, मतलब x इंटरसेप्ट हमारे पास ये माइनस 2 बाई 3 और 0 आया हुआ है। y इंटरसेप्ट हम कैलकुलेट करते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग x 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई है, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0 2। स्लोप फाइंड करना हो तो हम कोफिशिएंट ऑफ x देखते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है ये कंपेयर करें, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो m है जैसे हम स्लोप कहते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है इसलिए हमारे पास स्लोप क्या है 3। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, हमारे पास इक्वेशन गिवन है x और y के फॉर्म में, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dy / dx लें तो हमारे पास 3 आता है, जैसे हम लोग स्लोप कहते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखें लास्ट मेथड में लगा दिया dy / dx, हमारे पास m आ गया है, ये देखें आपके पास जो है ना dy / dx से हमारे पास स्लोप तब भी सेम आ रहा है, या इस इक्वेशन से कंपेयर करें तब भी हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब ये हमारे पास एक स्लोप आया था x इंटरसेप्ट, हमारे पास क्या माइनस 2 बाई 3 0, ये x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है और x की वैल्यू क्या है माइनस 2 बाई 3, तो x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 कुछ यहां पर है, ये एक पॉइंट ड्रा कर दिया आपने, और इसके अलावा आपने y इंटरसेप्ट किया है 0 2, तो y एक्सिस के ऊपर हमारा x 0 होता है और y का पॉइंट 0 2 ये है, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाएं
इन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला, हमने ये एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया पहले इन दोनों पॉइंट को, और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका हमेशा ग्राफ जो बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इन दो इंटरसेप्ट को मिलाने के बाद, ये एक इंटरसेप्ट है और एक ये इंटरसेप्ट है, दोनों को मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो इसे हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये हमने इधर भी एक्सटेंड करा दी स्ट्रेट लाइन और इधर भी हमने एक्सटेंड करा दी स्ट्रेट लाइन। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एक्स बना सकते हैं। और ये जो आपको मजे की बात बताता चलो, ये आपको एक जो है ना स्लोप दिखाई दे रहा है, ये स्लोप ये देखिए, ये आपको स्लोप दिखाई दे रहा है, ये आपको स्लोप 3 दिखाई दे रहा है, तो आपको नजर आ रहा है यहां पर देखें y के तीन पॉइंट जो है ना आपको 1, 2 और 3, इन यहां से लेके जहां तक स्लोप निकाल लें आपके पास ये कोई पॉइंट होगा 5 और 1, 1 और 5, और यहां पर आपके पास पॉइंट है 0 और 2। इसका जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपको आपको जो है ना 3 ही मिलेगा। सिमिलरली यहां पे देखिए, ये पॉइंट आपके पास 0 और 2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहां पर क्या है 0, y की यहां पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है, और यहां पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 है। यहां से लेके यहां तक अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं पॉइंट यूज करें -1 और -1, मतलब x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -1, जहां पर x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 2 है। स्लोप का फार्मूला लगाएं y2 - y1 / x2 - x1 का, तो आपके पास स्लोप दोबारा आपको क्या मिलेगा, स्लोप आपको दोबारा क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, अगर जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x plus theta y, x y हमारे पास कोई रियल नंबर है, देन जनरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास ये होती है इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू रियल ऑफ a z plus b। यहां पर अगेन हमारे पास a और b क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। और यहां पर हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है z is equal to x plus y, then imaginary of z is equal to this one, इसको हमने ड्रॉ करना है। ये हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, मतलब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लेकिन देखते हैं कैसे बनती है और कहां पे इसके इंटरसेप्ट बनते हैं। यहां पर देखें इसके आप इमेजिनरी ऑफ जेड, जेड की वैल्यू पुट करें, यहां पे भी जेड की वैल्यू पुट करें, ठीक हो गया। अब यहां से इमेजिनरी ऑफ आपके पास आ जाएगा वाई आ गया है, और यहां से आपके पास रियल आ जाएगा 3x + 2, ये आ गया है। ये इक्वेशन मैं पहले पिछले स्लाइड में ड्रा कर चुका हूं, इस वहां से आप देख सकते हैं, और इधर भी मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहां पर जो है ना आपके पास एक्स जो है रियल पार्ट ऑफ जेड है, और वाई हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये जो एक्स है ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, और ये जो वाई है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई है। जिससे मैंने पीछे बताया कि अगर हमने y इंटरसेप्ट निकालना हो तो आपने x 0 पुट करना, तो y के लिए आपके पास 2 आ जाएगी, जो कि आपके पास 0 2 ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको। अगर आपने x इंटरसेप्ट निकालना है तो इसमें y पुट करें, तो आपको x की y 0 पुट करें, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2 3, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा दिस वन। इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएं तो आपको छोटी सी एक लाइन मिल जाएगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब हमें पता है कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन बनती है, तब इसको आपने इधर से भी एक्सटेंड करवा देना है और यहां से नीचे से भी आपने एक्सटेंड करवा देना है, तो आपको जो है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई है। इस तरह आप यहां पे देखें, कंपेयर करें आप इस इक्वेशन से, एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो एम होता है, मतलब जो है ना हमारे पास क्या होता है स्लोप होता है, यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहां पे भी हमारे पास स्लोप क्या है 3 है। यहां 3 ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। यहां पर देखें हर तीन पॉइंट के बाद, हर तीन मतलब यहां से लेके देखें आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आप स्लोप निकाल सकते हैं। ये आपके पास एक पॉइंट है 0 और 2, मतलब एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2 है। यहां पे आपके पास देखें एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 5 है, और ये देखें एक्स की वैल्यू क्या है, जहां से ये कंपेयर करें एक्स की वैल्यू 1 है। इन इस पॉइंट के उसके पॉइंट के दरमियान स्लोप निकालें, आपके पास 3 आता है, जो कि आपको ये ट्रायंगल के फॉर्म में नजर आ रहा है। सिमिलरली आपको ये पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2 है, क्योंकि अलग एक्स वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है एक्स 0 होता है, और यहां पर देखें एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू भी क्या है -1 है। इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान स्लोप निकालें, वो भी हमारे पास क्या है 3 है, जो कि हम ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक्स टू जेंटलमैन, टू ऑल ऑफ यू, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इसको ना भूलिएगा। थैंक यू।